फ्रेंड स्मार्ट स्टडी विद एसआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। आज 4 अप्रैल है। आज से संबंधित क्वेश्चन होंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन फ्रेंड ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामान्य उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ए राजेश ओसवाल, बी अरुण गोयल, सी विक्रमनाथ, डी अजय लांबा। आपको आंसर बता दें, आंसर ए राजेश ओसवाल। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामान्य उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राजेश ओसवाल ने। किसने ली है? राजेश ओसवाल ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो, COVID-19 फैक्ट चेक यूनिट अप्रैल 2020 से प्रचालन में आ गई है। निम्न में से कौन यूनिट का नेतृत्व करेगा? ए राजीव चोपड़ा, बी नितिन, सी सुभाष, डी अमरेंद्र सिंह। आपको आंसर बता दें, आंसर बी नितिन। आपको याद रखना है COVID-19 फैक्ट चेक यूनिट अप्रैल 2020 से प्रचालन में आ गई है। इस यूनिट का नेतृत्व कौन करेगा? नितिन। कौन करेगा? नितिन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन, किसने COVID-19 से सुरक्षित रखने के लिए मेडिकल और पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों के लिए बायोसूट विकसित किया है? ए DRDO, बी बार्क, सी नीति आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें, आंसर ए DRDO। आपको याद रखना है COVID-19 से सुरक्षित रखने के लिए मेडिकल पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों को के लिए बायोसूट कौन विकसित करेगा? DRDO। किसने किया है? DRDO ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार, भारत ने किस देश को COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की है? ए म्यांमार, बी इंडोनेशिया, सी सिंगापुर, डी मालदीव। आपको आंसर बता दें, आंसर डी मालदीव। आपको याद रखना है भारत ने किस देश को COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की है? मालदीव। किसके लिए की है? मालदीव के लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँच, कौन सा देश में फैले कोरोना वायरस के प्रबंध के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करेगा? ए भारत, बी अमेरिका, सी बांग्लादेश, डी जापान। आपको आंसर बता दें, आंसर सी बांग्लादेश। आपको याद रखना है कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग कौन करेगा? बांग्लादेश। कौन करेगा? बांग्लादेश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छः, निर्मल सिंह खालसा का निधन हो गया है। गुरबानी संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला? ए 2003, बी 2005, सी 2007, डी 2009। आपको आंसर बता दें, आंसर डी 2009। आपको याद रखना है निर्मल सिंह खालसा का निधन हो गया है। गुरबानी संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला? 2009 में। कब मिला? 2009 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सात, किस बैंक ने अपने ऋण सूची मंच पर $100 मिलियन के हरे बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं? ए यस बैंक, बी SBI, सी कैनरा बैंक, डी आंध्रा बैंक। आपको आंसर बता दें, आंसर बी SBI। आपको याद रखना है किस बैंक ने अपने ऋण सूची मंच पर $100 मिलियन के हरे बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं? SBI ने। किसने किए हैं? SBI ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आठ, कौन सा देश नवंबर 2021 में एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? ए भारत, बी चीन, सी श्रीलंका, डी जापान। आपको आंसर बता दें, आंसर बी चीन। आपको याद रखना है कौन सा देश नवंबर 2021 में एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? चीन। कौन करेगा? चीन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कोरोना केयर नीति किसने लॉन्च की है? ए फोनपे,
बी पेटीएम, सी फेसबुक, डी अमेजन। आपको आंसर बता दें, आंसर ए फोन पे। आपको याद रखना है कोरोना केयर नीति किसने लॉन्च की है, फोन पे ने। किसने की है, फोन पे ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य अप्रैल में प्रत्येक जानवर के लिए प्रति दिन 25 रुपये देगा। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी हरियाणा। आपको आंसर बता दें, आंसर सी गुजरात। आपको याद रखना कौन सा राज्य अप्रैल में प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपये देगा। कौन सा राज्य देगा? गुजरात। कौन सा देगा? गुजरात। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही करंट की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।